जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे कमरे में रखे बेजान खिलौने जिंदा हो उठे और तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक कातिल को देखते हैं जिसका नाम है रेनशॉ। एक रात वो अपनी गाड़ी लेकर हैंस मॉरिस नाम के एक आदमी की हवेली पर पहुंचा। मॉरिस करोड़ों की खिलौने बनाने वाली कंपनी का प्रेसिडेंट है। रेनशॉ को उसी का खून करने की सुपारी दी गई थी। वो अपने स्टोर रूम में कुछ खिलौने देख रहा था जब उसका हाथ हरे रंग की एक परी पर गया। रेनशॉ बाहर से उस पर नजर रखे हुए था और अब उसने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने गन लोड की और मास्क लगाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। वो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देने के लिए बाहर एक फोन रख देता है जिस पर उल्टी गिनती चल रही थी। हड़बड़ाकर गार्ड फोन को बाहर फेंकने चला गया और इसी वक्त रेनशॉ ने हवेली में एंट्री मारी। मौका देखकर उसने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और क्योंकि गन में साइलेंसर लगा हुआ था इसलिए गोली की आवाज मॉरिस तक नहीं पहुंची। फिर वो गार्ड से चाबियां चुराकर आसानी से सिक्योरिटी रूम में पहुंच गया। उसने सभी सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए और आखिरकार अपना मास्क हटाया। इसके बाद वो मॉरिस के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक और सिक्योरिटी गार्ड को उसने चुटकियों में ठिकाने लगा दिया। कमरे में पहुंचते ही उसने मॉरिस की छाती पर दो गोलियां और माथे पर एक गोली दाग दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेनशॉ ने उस हरी परी वाले खिलौने को उठा लिया जिसे वो अपने शिकार मॉरिस की निशानी बनाकर रखेगा। उसे टेबल पर मॉरिस की माँ की एक तस्वीर दिखाई दी जिस पर कुछ लिखा भी हुआ था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहाँ से निकल आया। उसने प्लेन में अपने क्लाइंट को मिशन कंप्लीट होने की खबर दी और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पास बैठी एक लड़की ने उससे च्युइंगम मांगी जिसे निकालने के लिए रेनशॉ अपना बैग खोलता है। उसके बैग में वो हरी परी वाला खिलौना देखकर लड़की भी सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा आदमी अपने बैग में खिलौने रखता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाद में एयरपोर्ट पर उतरकर उसने देखा कि मॉरिस के खून की खबर चारों ओर फैल गई थी। तभी उसकी नजर एक बच्ची के बैग पर गई जिसमें वैसी ही एक गुड़िया थी जैसी उसने मॉरिस के कमरे में देखी थी। इसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। उसके घर की बिल्डिंग की रिसेप्शन टेबल पर भी एक हरे रंग का खिलौना था जो मॉरिस की टेबल पर भी हुआ करता था। घर पहुंचने पर रेनशॉ ने उस हरी परी को एक डिस्प्ले टेबल पर सजा दिया जहां वो उन सभी लोगों की निशानियां रखता था जिन्हें उसने मारा था। वहां चश्मे, चाबियां, पेन, पैसे और न जाने क्या क्या चीजें थी जो कभी उन मरने वालों की हुआ करती थी। देखते ही देखते वो सोफे पर बैठा बैठा सो गया। बीच रात में अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उसकी आंख खुल गई। इतनी रात में कौन आया था? उसने कैमरा में देखा कि रिसेप्शनिस्ट हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो बक्से को वहीं रखकर वहां से चली गई। फिर रेनशॉ बक्सा अंदर ले आया और किचन काउंटर पर रख दिया। बक्से पर उसी का नाम था लेकिन भेजने वाले का नाम पता नहीं लिखा था। हालांकि उस पर सिग्नेचर किए हुए थे जो हूबहू मॉरिस की माँ के सिग्नेचर जैसे लग रहे थे। पहले तो रेनशॉ ने सोचा कि बक्से को फेंकने में ही भलाई है, लेकिन फिर वो उसे खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। वो बेहद बारीकी से रैपर उतारने लगा। अंदर उसे खिलौनों से भरा एक बक्सा मिला जो मॉरिस की कंपनी की तरफ से आया था। बक्से के पीछे लिखा था कि इसमें एक सीक्रेट बोनस सरप्राइज भी है। पहले तो रेनशॉ ने पूरी छानबीन की कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक सैनिक थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। उसने एक खिलौने को निकालकर ध्यान से देखा लेकिन वो एकदम नॉर्मल था। बाद में अचानक से बक्सा अपने आप नीचे गिर गया। रेनशॉ को अच्छे से याद था कि बक्सा किनारे पर तो नहीं था। जैसे ही वो चेक करने गया तो देखते ही उसके होश उड़ गए। वो सभी खिलौने बक्से से गायब हो चुके थे। अब एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। पर्दे खुद से हिलने लगे और अचानक सभी लाइट्स भी बंद हो गई। रेनशॉ ने देखा कि किसी ने लाइट्स की केबल ही काट दी थी। उसी पल एक सैनिक ने अपनी तेज धार बंदूक उसके पैर में घोंप दी। रेनशॉ को समझ आ गया था कि ये सारा किया धरा इन सैनिकों का ही है। जैसे ही वो उन्हें देखने के लिए झुका, सैनिकों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि गोलियां उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब वो डर चुका था कि उन्होंने एक विस्फोटक फेंक कर उसकी पैंट जला दी। रेनशॉ को एहसास हुआ कि ये सैनिक तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वे। अब इनसे बचने की तरकीब सोचने के लिए वो बाथरूम की ओर भागा, लेकिन पीछे से लगातार फायरिंग चालू थी। उसके घुटने से खून बह रहा था और गर्दन पर भी काफी गोलियां लगी हुई थी। उनसे वो मरेगा नहीं, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था। रेनशॉ ने एक शीशे का इस्तेमाल करके बाहर की हालत चेक की तो उसने देखा कि सैनिकों की फौज लगातार लाइट बल्ब्स पर हमला कर रही थी जिससे कि वहाँ पूरी तरह अंधेरा हो जाए। तभी अचानक उन्होंने उसके शीशे को एक मिसाइल से उड़ा दिया। अब रेनशॉ भी गुस्से से भर चुका था। वो तेजी से अपने कमरे में गया और बंदूक निकाल ली।
बंदूक की मदद से वो किसी तरह बचता बचाता किचन तक पहुंचा, जहां उसने अपनी राइफल छुपा रखी थी। उसने राइफल निकाली और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंडों में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी सैनिक डरकर छुप गए थे। रेंचो ने इसी मौके का फायदा उठाकर पूरा सोफा ही पलट दिया, जहां उसे कई सैनिकों की लाशें मिली। जो बच गए थे वो बाकियों को उठाकर जीप में डाल रहे थे। रेंचो फटी आंखों से बस देखता ही रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है। जैसे ही सैनिक भागने लगे, उसने जितना हो सके सबको अपने पैरों तले दबा दिया। कुछ तो अब भी उस पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जब रेंचो ने एक गोली चलाई तो उसकी वाइब्रेशन से आधे सैनिक दूर जा गिरे। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर में 3 आर्मी हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आए और आग के गोलों से हमला कर दिया। रेंचो जैसे तैसे उनसे बचने में कामयाब हो गया। फिर उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाते हुए उस पर धड़ाधड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। रेंचो भागकर अपने बाथरूम में पहुंचा और खुद को लॉक कर दिया। शीशे में खुद को देखते ही उसका सर चकरा गया। उसके चेहरे और शरीर पर बहुत सारे कट्स और जख्मों के निशान थे। उसने अल्कोहल लगाकर अपनी मरहम पट्टी करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से एक गोला दरवाजे को चीरता हुआ अंदर आ गिरा। साथ ही एक हेलीकॉप्टर अंदर आया और रेंचो पर हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए रेंचो ने ना आग देखा ना ताव और एक तौलिया लेकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। उसने मार मार कर हेलीकॉप्टर को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद वो बचे खुचे टुकड़े उठाकर उन्हें फ्लश कर देता है, लेकिन सैनिक अभी भी हार नहीं मान रहे थे। आखिरकार उसने एक हेयर ड्रायर टॉयलेट में डाला, जिससे सारे सैनिक मर गए। बाहर से एक सैनिक ने नोट सरकाया जिस पर लिखा था, खुद को हमारे हवाले कर दो। उनकी चालाकी देखकर रेंचो भी हैरान रह गया और उसने भी जवाब में लिख दिया, भाड़ में जाओ सालों, हट। पर जब वो कागज वापस रखने गया तब उसे समझ आया कि ये तो उनकी एक चाल थी। खिलौनों की पूरी फौज टैंक्स के साथ हमला करने को तैयार खड़ी थी। उनके जोरदार हमले से दरवाजे के चीथड़े उड़ गए और अब रेंचो सीधा उनके निशाने पर था। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से बाहर निकल गया, लेकिन बेचारा 14th फ्लोर से कूद भी नहीं सकता था। आगे कुआं तो पीछे खाई। अब वो फूक फूक कर कदम रख रहा था, अचानक एक हेलीकॉप्टर ने फिर से उस पर हमला कर दिया। खिलौने उसे नीचे गिराने ही वाले थे कि रेंचो ने एक शॉट में हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आखिरकार बालकनी तक पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर बैठे सैनिक खिड़की पर बंदूक ताने एकदम तैयार खड़े थे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रेंचो ने एक रबर डक के जरिए सैनिकों का ध्यान भटकाया और फिर मौका मिलते ही दूसरी ओर से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर हमला कर दिया। जबरदस्त भगदड़ मच गई और तभी उसकी नजर कुछ और फौजियों पर पड़ी। उन्होंने जीप में उसे चारों ओर से घेर लिया और लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। रेंचो ने स्प्रे और लाइटर की मदद से जबरदस्त आग पैदा की और सैनिकों को जिंदा ही जला दिया। और तो और एक चाकू लेकर पागलों की तरह उन खिलौनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। इसके बाद उसने फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ रहे सैनिकों पर एक भारी डब्बा फेंक दिया, जिसके नीचे दबकर सबकी चटनी बन गई। आखिरकार सभी फौजी खिलौने अब मारे जा चुके थे। अपनी जीत पक्की करने के लिए रेंचो ने सभी खिलौनों को गिना और उनके डब्बे के नंबर से मिलाया। अब एक भी सैनिक नहीं बचा था और इसी तरह उसकी जान बच गई। ऐसे कैसे बच जाएगा? उसने खिलौनों को तो गिन लिया, लेकिन एक बात भूल गया कि डब्बे के पीछे लिखा था बोनस सरप्राइजेस। सबकी गेम बजाने के बाद वो आराम करने के लिए थोड़ी देर पूल में आ गया, लेकिन अचानक किसी ने पानी में उसकी कलाई काट डाली। उसने फटाफट पानी से बाहर आकर देखा कि खून बहुत ज्यादा बह रहा था, तो उसने सुई धागा लेकर स्टिचेस लगाने की पूरी कोशिश की। अब वो घर से बाहर जाने का फैसला करता है, ताकि जो भी ये चीज है उस पर दोबारा हमला ना कर सके। रेंचो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके दुश्मन उसके साथ ही लिफ्ट में पहुंच चुके हैं। अचानक से सारी लाइटें फूट गई और लिफ्ट ऑपरेट करने वाले सभी बटन्स भी टूट गए। अब रेंचो इस लिफ्ट में कैद हो चुका था। उसने एक फ्लैश लाइट जलाकर देखा कि वहां सिर्फ एक कमांडो मौजूद था। लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा गायब था, इसलिए कमांडो उसी रास्ते से लिफ्ट से बाहर निकल गया। रेंचो भी उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि लिफ्ट तो अटकी हुई थी। अब उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो बगल वाली लिफ्ट की छत पर कूद गया। उसने सीलिंग पैनल हटाया और लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। वो किसी तरह कमांडो से बच निकला था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि कमांडो भी उसी के साथ छुपकर वहां पहुंच चुका था। खिलौने ने एक चाकू लगातार रेंचो के शरीर में घोंपना शुरू कर दिया, लेकिन रेंचो को उसके इस वार से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेंचो ने उस खिलौने कमांडो को पकड़ा और लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच में उसका सर दे दिया। रेंचो उसके शरीर को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि खिलौने की बॉडी में एक बॉम्ब लगा हुआ है। उसी पल बॉम्ब के फटने से जोरदार धमाका हुआ और रेंचो की लाइफ का भी दी एंड हो गया।
इसके बाद हमने खिलौने के बक्से पर एक स्टिकर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि बोनस सरप्राइज के तौर पर उसमें एक कमांडो और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब अटैच था। इसी के साथ खिलौनों ने अपने मालिक की मौत का बदला